गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इन प्रीवियस वीडियो यू हैव बीन टॉट अबाउट सिमिलर फिगर्स एंड पॉलीगॉन्स। टुडे आई एम गोइंग टू मेक फैमिलियर with the basic proportionality theorem, which is also known as Thales theorem. Basic proportionality theorem in short form is BPT, basic proportionality theorem or Thales theorem. Thales theorem states that if a line drawn parallel to one side of a triangle, the other two sides are divided in the same ratio. The other two sides are divided in the same ratio. That is, अगर किसी ट्रेंगल में ट्रेंगल के किसी वन साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचा जाता है, ड्रॉ किया जाता है, तो रिमेनिंग टू साइड्स को भी वह सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है। ठीक है, इसी थ्योरम में दो पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट कंडीशन होता है और सेकंड पार्ट रिजल्ट होता है। तो हम इस थ्योरम को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट वी हैव अ ट्रायंगल एबीसी इन विच डी ड्रॉन पैरेलल टू बीसी। इन ट्रायंगल एबीसी ए लाइन डी ड्रॉन पैरेलल टू बीसी विच इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। ठीक है, तो गिवन इन ट्रेंगल ए बी सी डी पैरेलल बी सी डी पैरेलल टू बी सी, डी बी सी के पैरेलल है। ठीक है, दिस इज कंडीशन, यह कंडीशन है, थ्योरम का कंडीशन है। रिजल्ट को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। टू प्रूफ या जो रिजल्ट आई है, जो टू प्रूफ में लिख रहे हैं, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई डी सी, यह रिजल्ट हुआ। दो पार्ट कंडीशन है, रिजल्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन एंड प्रीवियस नॉलेज यू हैव टू प्रूव द रिजल्ट। हेयर टू प्रूव द रिजल्ट वी नीड ए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या करते हैं, विड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी। Join B and DC. DC. Join B and DC. क्या किए हैं, फ्रॉम डी ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड फ्रॉम ई डी एम परपेंडिकुलर ए बी ज्वाइन बी एंड सी डी को मिला दिया गया अकॉर्डिंग टू सेम बी राइट हियर ड्रू डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड डी एम परपेंडिकुलर ए सी
AR perpendicular AB and joined BE and CD. Joined BE and CD. और बी और सी टी को मिला दिया, ठीक है। अब हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, एरिया ए बी सी, सॉरी एरिया ए डी बाई एरिया डी बी, डी बी ई एरिया ए डी एरिया डी बी, दोनों को आप सेलेक्ट किए हैं, इसलिए दोनों ट्रायंगल को हम सेलेक्ट किए हैं। ए डी का वाइस हमको ए डी मिलेगा और डी बी का वाइस हमको बी डी मिलेगा, जिससे हमको फर्स्ट पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बाई फॉर्मूला एरिया ए डी वन बाई टू बेस ए डी, अल्टीट्यूड इज ई एल, अल्टीट्यूड इज ई एल, एरिया डी बी, एरिया डी बी हाफ बेस इज डी बी, अल्टीट्यूड इज ई एल, बोथ ट्रायंगल हैव सेम अल्टीट्यूड ई एल, कंसीलिंग एम इन हाफ एन फ्रॉम बोथ न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर वी हैव ए डी बाई डी बी, इक्वेशन वन, ठीक है। सिमिलरली हम लेंगे आगे एरिया, एरिया ए डी, एरिया ए डी ई बाई एरिया ई सी डी, ट्रेंगल एरिया ई सी डी, ई सी डी ट्रेंगल का, तो एरिया ए डी लिखेंगे वन बाई टू, बेस बेस चेंज कर लेंगे, ए ई ले लेंगे इस साइड में ए ई, अल्टीट्यूड हो जाएगा अल्टीट्यूड ऑन ए इज डी एम, अल्टीट्यूड ऑन ए इज डी एम एंड वन बाई टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, ई सी अल्टीट्यूड इज डी एम, दोनों ट्रायंगल का अल्टीट्यूड सेम है डी एम डी एम, दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया डी एम और हाफ, कैंसिल करेंगे इसको, दोनों को हमको मिलेगा ए बाई ई सी, इक्वेशन नंबर टू। अब हम देखते हैं कि अगर लेफ्ट साइड एल एच एस ऑफ वन एंड टू बोथ इक्वेशन अगर इक्वल होता तो हमको राइट साइड इक्वल हो जाता और हमको रिजल्ट मिल जाता, प्रूव हो जाता ए डी बाई डी बी या ए बाई सी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफर कर रहा है, न्यूमरेटर इन बोथ आर सेम बट डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, बट इज नॉट डिफरेंट, बोथ आर इक्वल, फॉर दिस पर्पस यू हैव टू रिमेंबर ए थ्योरम ऑफ क्लास नाइन, क्लास नाइन में आप एक थ्योरम पढ़ा एरिया रिलेटेड ज्योमेट्री में कि इफ टू ट्रायंगल हैव सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स देयर एरियाज आर इक्वल, If two triangles are on the same base and located on, located between same parallels,
देयर एरियाज आर इक्वल, इक्वल होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि एरिया सिंस ट्रायंगल डीबी डीबीई एंड ट्रायंगल ईसीडी आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस डी एंड बिटवीन द सेम between the same parallel lines D and BC। इसका मतलब हुआ कि एरिया DB is equal to एरिया इसी तो आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर डाल सकते हैं 1-1 और इसको इन्वर्ट कर दीजिएगा, इन्वर्टिंग ऑन बोथ साइड डीबी एरिया डीबी 1/ एरिया इसी दोनों ओर उल्टा कर देने पर, दोनों ओर उल्टा कर दिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एडी से, एडीई एरिया एडी से, दिस इंप्लाई एरिया एडीई बाय एरिया बीबीई इज इक्वल टू एरिया ए डी ई एरिया इसी डी। अब इस तो ये दोनों को हम ये 1 और 2 इक्वेशन, 1 था यहाँ पर पहला देखे थे 1/2 डी बी ए डी बाई ए डी इंटू ई एन था पर, ए डी बाई डी बी। तो 1 और 2 में आप कंपेयर करते हैं तो देखते हैं 1 में एल एच एस है ए डी बाई डी बी, 2 का एल एच एस है ए डी ए डी बाई ई सी डी। तो ए डी बाई डी बी AD by DB equal to AD by DB, this is like you can write here AD by DB, AD by AD by AD by AC D is equal to AE by EC। तो आप इसके जगह पर इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट AE by EC। From one end to. इस तरह से आपका थोड़ा प्रूव हो गया ठीक है।
इस थ्योरम में दो कोरोलरी है, कोरोलरी कोरोलरी में कहता है थेल्स थ्योरम का दो कोरोलरी है। इस कोरोलरी में इसको अनुमान कहते हैं, डिडक्शन कहते हैं। ओरिजिनल थ्योरम से दो नया स्टेटमेंट निकाला गया है कि इनफिनिट ट्रायंगल ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड देन मैथमेटिकली हम यहाँ लिख देते हैं आपको इफ इन ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल बीसी देन एक एडी बाय डीबी एबी बाय डीबी इज इक्वल टू एसी बाय ईसी एंड AB by AD is equal to SC by AE। ये दो कोरोलरी है जिसको थेल्स थ्योरम से डिडक्ट किया गया। तो अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं, इसमें कंडीशन ये हो गया, रिजल्ट ये हो गया। अगर रिजल्ट प्रूफ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं थेल्स थ्योरम से प्रूफ। इन ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल बीसी दिस इंप्लाइज एडी बाय डीबी इज इक्वल टू ए बाय ईसी बाय थेल्स थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी बाय बीपीटी डी पैरेलल बीसी है तो थेल्स थ्योरम से हो जाएगा आपको एडी बाय डीबी इज इक्वल टू ए बाय ईसी। दोनों साइड एड वन एड कर दीजिए एडिंग वन ऑन बोथ साइड एडी बाई डी बी प्लस वन इज इक्वल टू ए बाई ई सी प्लस वन दिस इंप्लाइज ए डी प्लस डी बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए प्लस ई सी बाई ई सी। फिगर से आप देखिए ए डी प्लस डी बी ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू ए बी तो इसको आप ए बी लिख सकते हैं ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए प्लस ए सी इज इक्वल टू ए सी आप ए सी लिखिए। पार्ट वन आपका प्रूफ हो गया। पार्ट वन आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब फॉर सेकेंड पार्ट इसी तरह से हम प्रूव करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया है, तो अब नेक्स्ट हम सेकेंड पार्ट आपको प्रूव करते हैं। तो इसको थोड़ा सा इसी तरह से आगे बढ़ेंगे इनिशियली पार्ट टू में। तो इंटेगल ए बी सी डी पर एल बी सी ए डी बाई डी बी ए बाई सी बाई बी पी टी ठीक है।
इसको थोड़ा सा इन्वर्ट कर लेते हैं, डी बी बाई थोड़ा सा चेंज होगा उससे, ई सी बाई ए, फिर इसमें एडिंग ऑन बोथ साइड, वन बोथ साइड, डी बी बाई ए डी प्लस वन ई सी बाई ए प्लस वन, फिर डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी बाई ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए बाई ए, ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू ए बी, ए डी प्लस ई सी प्लस ए, ई सी प्लस ए इक्वल टू एस सी, तो इसके पर आप ए डी प्लस डी बी आपको हो गया ए बी, यहाँ ए डी है दिस एस सी बाई ए बी, पार्ट टू प्रूव हो गया, पार्ट टू प्रूव ठीक है, थ्योरम कंप्लीट हो गया उसका कोरोलरी सहित। अब थोड़ा हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम देख लेते हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स प्रॉब्लम सॉल्व में करने में मदद करेगा, कन्वर्स बोर्ड एग्जाम में इसका प्रूफ पूछा तो नहीं जाता है, प्रूफ नहीं बताएंगे आपको, हम स्टेटमेंट समझा देंगे मैथमेटिकली भी ठीक है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ ए लाइन ड्रॉन इंटरसेक्टिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इंटरसेक्टिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन सेगमेंट दो साइड को इंटरसेक्ट करता हो इन सेम रेशियो में एक ही अनुपात में, तो सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करता हो तो वह लाइन रिमेनिंग थर्ड साइड के पैरेलल होगा, मैथमेटिकली इसको हम इसे लिखते हैं, दैट इज गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी सच दैट ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ए सी, ए बाई ए सी देन तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, डी पहले डी पहले
ठीक है, तो ये पार्लर बीसी आएगा। जस्ट कल वर्ष ऑफ थर्स्ट थ्योरम है, देखेंगे कल थर्स्ट थ्योरम में डी पार्लर बीसी गिवन था और ये प्रूफ करना था, इसमें ये गिवन है, प्रूफ करना है। प्रूफ इज नॉट नेसेसरी, आप इसको सिर्फ समझ लीजिए कि अगर कोई ट्रेंगल में कोई लाइन उसके दोनों साइड को सेम रेशियो बांटता है तो वह थर्ड साइड के पैरेलल होगा। प्रॉब्लम सॉल्व में वेरी वेरी यूजफुल है, वेरी हेल्पफुल है, इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है।